ये फोटो रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं दिखा देता हूँ। तो कौन करता है? C3 प्लांट करते हैं, C4 प्लांट तो ये काम करते नहीं। तो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि प्लांट बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देने लगता है। और भैया ऐसा सिस्टम हमारे किस काम का, जब ऑक्सीजन हमें ना मिले। और तो और इसको हम बेटा C2 साइकिल भी बोल देते हैं, या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी इसको बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, ये बड़ा वेस्टफुल प्रोडक्ट है क्योंकि इससे हमें कुछ नहीं मिलता। ना तो ये एंड में ATP देता है, ना ये NADPH देता है, ना ये कोई शुगर एनर्जी देता है, ना तो ये ताकत ही दे रहा है, ना तो ये फूड ही दे रहा है। तो ये हो ही क्यों रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वेस्ट सिस्टम है। ठीक, ये कब होता है भैया? जब CO2 की बहुत कमी हो जाए और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा हो जाए एनवायरमेंट में। अब प्लांट को तो लगे मुझे तो भाई बाय प्रोडक्ट में O2 देने की जरूरत नहीं है, बहुत ऑक्सीजन है इस दुनिया में। ठीक है, अगला, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी हो, तो ये दोनों कंडीशन फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए क्या है? फेवरेबल है ना। अगला, अब रूबिस्को जो है ना, रूबिस्को एंजाइम जो हम पढ़ रहे थे, ये रूबिस्को कहाँ बाइंड हो जाता है? O2 की जगह पर खुद लग जाता है, जिसके चक्कर में बाद में CO2 निकल, बाद में CO2 एज ए बाय प्रोडक्ट मिलने लगता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है बस आपके बुक में।